चाय पानी का इंतजाम करा, ऐसे नहीं बैठ सकता मैं। नमकीन नमकीन लेके आ। कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर परवा बोलता है कि नहीं परुदी, मैं करता हूँ प्यार तुमसे, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। अफुट संस्कृति अफुट पिछाण वाल पहाड़ी चूमी भावना चुफाल में नाम तो हेलो है, नमस्कार प्रणाम पहला जय देव की हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बता दूं कि आज व्लॉग नहीं है, वीडियो है। और व्लॉग जो है मेरे कभी कभी आएंगे बीच बीच में, और बाकी ऐसे नॉर्मल वीडियोज़ भी मैं डालती रहूँगी। बाकी आप लोग मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ आप सभी लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं अपना हुड़का ठीक करूँगी। काफ़ी लोगों को पता होगा हुड़के के बारे में, और जिन लोगों को नहीं पता तो मतलब जैसे बाहर के लोग हैं, मतलब मेरे इसमें उत्तराखंड से अलग स्टेट के तो काफ़ी लोग भी जुड़े हुए मेरे YouTube चैनल से। तो हुड़का जो है उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है, और उत्तराखंड के अलावा और भी जगहों पर इसको बजाया जाता है, पर उत्तराखंड में मेन ये मतलब एक है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा एक यंत्र है, जो कि शिव जी के टाइम पर आपको पता होगा डमरू, तो उसी टाइम से उसी समय से ये चला आ रहा है। और क्या बोलते हैं, बाकी तो सब ठीक है, पर यार एक तोड़ दिया ये, देखो आप देख रहे होंगे टूट गया है ये, जो है पूरा टाइट होना चाहिए तो ये ढीला हो गया, जिस वजह से पूरा यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से निकल गया। और ये कैसे टूटा आप सभी को मैं बताना चाहूँगी। ये जो हुड़का है मैंने अपने दीदी के बेटे को जो है खेलने को दिया था, बजाने को, वो रो रहा था मौसी प्लीज मेरे को भी दे दो, बस बोलता तो नहीं है वो, पर मतलब अभी बोलना नहीं आया उसको, बट मैं बजा रही थी तो उसने देख लिया, उसे भी बजाना था तो मैंने उसे दे दिया, चलो कानू प्लीज़ अच्छे से बजाना करके। फिर उसके बाद कानू ने बजाया, पर इतने अच्छे से बजाया कि उसने ये तोड़ दिया यहाँ से, और गलती से टूटा उसे या फिर जो पता नहीं कैसे टूटा, तो इसका धागा निकल गया यहाँ से। वैसे कन्नू ने मुझसे अच्छा बजाया आप देख सकते हैं, कन्नू ने मुझसे अच्छा हुड़का बजाया। और तो गाइस अब मेरे को इस हुड़के को जो है सही करना है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इनको बोलते हैं पुड़, ये पुड़ है, और बाकी किसी को हुड़का लेना हो तो ये देखो पूरा ही निकल गया, तो ये पूरा ऐसे निकल गया, अब तो इसको सही करना ही पड़ेगा मुझे। मुझे बजाना आता नहीं है, पर मैं सीख रही हूँ बजाना, मैंने एक वीडियो में बजाया था आप देख सकते हैं ये वीडियो। हुड़का यार उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, देवी देवताओं को जब जागरण लगता है देवी देवताओं का, तो उसमें मेन तौर पे बजाया जाता है। देवी देवताएं प्रसन्न होकर हुड़के की थाप में जो है दर्शन देते हैं मानव शरीर में आके। तो काफ़ी लोगों को, बाहर के स्टेट के लोगों को नहीं पता होगा ये सब चीज़ें उत्तराखंड के बारे में, तो देवभूमि इसीलिए बोली जाती है ज़्यादातर, उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए बोली जाती है क्योंकि वहाँ से भी देवी देवता जो है वास करते हैं। मैंने इतनी मेहनत करके इतने टाइट करा था और ये टूट गया यहाँ से, फिर से देख सकते हैं आप, तो मेरे को फिर से जो है दोबारा से करना पड़ेगा, अफसोस सैड फॉर मी। ये कैसे टूट गया यार, ये वाला धागा अच्छा नहीं है शायद से, अब इसको मेरे को बदवाना पड़ेगा पंकज से, क्योंकि मेरे नेल से, और पंकज जो है वीडियो में आएगा नहीं, तो मैं पहले उससे बदवा के आती हूँ। ये देखो यहाँ से टूट गया है फिर से, क्योंकि ये धागा मेरे को लग रहा है कच्चा है, तो मैं इसमें दूसरा वाला लगाती हूँ, अब मैं पंकज से बदवा के आती हूँ, मेरे से ये छोटा है ना बंद नहीं रहे नेल्स है ना, तो इसको बदवा के आती हूँ, फिर दोबारा से मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से बदाना पड़ेगा।
खट करके टूट जाता है यार, इतनी मेहनत करते हैं फिर टूट जाता है, टूट जाता है, बार बार टूट जाता है। डॉक्टर मासूर को लाइक आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी हियर इन भानु चुफाल स्पेशल स्टूडियो। थैंक यू सो मच। एक स्पेशल कुर्सी लेके आई हूँ मैं इसके लिए, हाथ पैर जोड़ के प्लीज मेरे मेरे हेल्प कर दे। खाना खाते खाते उठाया इसने मैंने इतने अच्छे कटहल की सब्जी बनाई थी, मैं कटहल इंजॉय कर रहा था, फिर मुझे अचानक से आवाज आई, पंकज पंकज। मुझे अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करके इधर आना पड़ा देखा हमारे पास एक और पूड़ा है हुड़क के, पर वो पतले वाले हैं, पर वो उनके लिए लकड़ी चाहिए दूसरी, वो स्पेशल वाले, वो स्पेशल वाले पूड़े हैं, ओरिजिनल ओरिजिनल है वो, तो उसके लिए एक लकड़ी चाहिए, जो लकड़ी में हमें गांव में मिलेगी यहाँ नहीं मिलेगी, वो लकड़ी स्पेशल नहीं होती, वो गीठा हो में गीठ गीठ गीठा लेड़ गीठा लेड़ गीठा लेड़ गोल कर भी में लगाना, बस कभी छेद करना। यस, तो स्पेशली भी समवन इज स्क्रीमिंग गाइस गाइस बाहर लड़ाई हो रही है बहुत गंदी तरह चिल्ला रहा है, कोई लड़की चिल्ला रही है अपनी मम्मी पे, चिल्ला रही है। ओ बांजा जुबरियाली बांजा, क्या हो गया ये ऑर्केस्ट्रा? हाँ, क्या बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा? हाँ वही, क्या ऑर्केस्ट्रा? एक ने कमेंट करा था कि आपके घर में तो सब सिंगर है, आपकी मम्मी भी गाती है, आपके पापा भी गाते हैं। पापा कब कब गाते हैं? अरे पापा छबीली गा रहे थे ना लास्ट व्लॉग में, आपके गांव के आपके पूरा गांव गांव वालों को एक बैंड खोल लेना चाहिए तो हुड़क बजा के मेरी मूछें आ गई हैं, बोलते हैं कि लड़कियां हुड़क नहीं बजाती। लड़की थोड़ी है फिर तो, लड़कियों के लिए अगर हुड़क बजा के सच में मूछें आती तो मेरे तो इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो रही होती अभी तक। मेरे पास मूछें नहीं है क्या करूं भाई, ये लूज है कि सही है? लूज ही है ना, कैसे टाइट हो गई? और मुझे लग रहा है ये फर्स्ट से टाइट करना पड़ेगा, दोबारा खोल के एक एक को टाइट टाइट पकड़ के रखना पड़ेगा, तब होगा ये। यस, लेट्स डू इट अगेन। मैं थक गई हूँ, चल यार शुरू हो जा। कहाँ से खींचूँ मैं, पकड़ के रखती हूँ एक को बस है। तो यहाँ से इसको पकड़ के रख, यहाँ थोड़ा बहुत कितना आएगा तुझे क्या लग रहा है? ऑलमोस्ट इतना इतना सही होगा। चल फिर इतना पकड़ के रख, खींच के बनाइए, ठोक के लाइक कर दो, ठोक के लाइक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। टूट गया क्या? फिर से टूट गया, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा क्या फायदा? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो जा रहा हूँ भाई, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मैं तो खाना खा रहा था अबे यार दूसरी रस्सी लाए क्या? ये नायलॉन वाली है ना, ये वाली, ये वाली टाइट हुई, ये वाली, ये वाली टाइट हुई मैंने भी फालतू में कन्नू को बदनाम करा कि कन्नू ने तोड़ा है, तो मैं हमसे भी टूट जा रहा है। सॉरी कन्नू, मैं मैंने आपको बदनाम करा तो मैं क्षमा चाहूँगी, हमसे भी टूट रहा है ये बार बार, तो इसमें कन्नू की कोई गलती नहीं थी। एक बार मुलाकात का मौका दे दे तेरा फेवरेट गाना नहीं तेरा फेवरेट होगा हम तेरे शहर में आए गजल है ये की तरह बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था कैसे गाने गा रहा है ये कंधे से
और क्या था यार, लिरिक्स भूल गया। लिरिक्स तो अच्छे भाई, ऐसी बात नहीं। मेरी पगार कब देगी? 150 रुपया देगा। मेरी पगार तो आ जाए पहले। तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। क्वेश्चन है ना, निकाल ना क्वेश्चन एंड आंसर वाला व्लॉग बनाना पड़ेगा तेरे को इसके लिए। चाय पानी का इंतजाम करा, ऐसे नहीं बैठ सकता मैं। नमकीन वमकीन लेके आ। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। बाइक यहाँ कहाँ चिपका दिया है मुझे। आई एम नॉट यूज टू ऑल दिस सोशल मीडिया स्टफ यू नो, दैट्स व्हाई। बेल्ट थाम गई। अरे बेल्ट पड़ी होगी ना वहाँ ढूंढ ले जाके। ये तो नीचे पड़ी। मैनर्सलेस पीपल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दोबारा बनाना पड़ेगा हमें। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। कितना नूर है मेरे चेहरे। कहाँ जाऊँ मैं दिक्कत नहीं है वैसे तो। पतले वाले जो ओरिजिनल होते हैं वो पतले होते हैं, तो अगर वो गलत बजाएंगे तो फट जाते हैं। होली वाले गाने में विशुद्धा का उड़का फट गया था, मेरा बच गया क्योंकि मेरे मोटे पुड़ थे इसमें। ये कुछ दिन बीती ए जुग बीती, लागी मन में आग। ओहो ओ नी भूलनी यो परणी, नी बदलना भाग। हे बाटा लगी गेछ रजुली, बाटा लगी गेछ, हे बाटा लगी गेछ रजुली सोकेणा, मन झुरी गयो छो जब लागो कत्यूरी बाणा। मन झुरी गयो छो जब लागो कत्यूरी बाणा। उठ रजुली तम दतुली अता लगी गेज रजुली, बटा लगी गेछा आटकाली का देवी जजी, बटा लगी गेज रजुली बटा लगी गेछा। ये बागना थकी ये पुतरी, बटा लगी गेज लजुली बटा लगी गेछा। ये बट घटा का आना बना डरण बैगण रजुली डरण बैगण, ये गाड़ गुदरा सुन को करा थमण बैगण रजुली थमण बैगण। ये डन खन के पार करी, ये डन खन के पार करी हो दोपहरी ब्याह करनी, बटा लगी गेज रजुली बटा लगी गेछा। हे अब पूजी गेछा रजुली राम गंगा का तीरा, भेटना अपना सुवा मालूसाई बीरा। बस बस, तो आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करते हैं थोड़े छोटे मोटे, हम कलाकार नहीं है। कलाकार नहीं है हम, बस ऐसे गा रहे हैं मजे में। मेरे को हुडू बजाना भी नहीं आता है, सिंगिंग भी नहीं आती, हम खाली गा रहे हैं ऐसे। हे काकड़ी को केरा झुगली को फेरा, फाड़ी ले कलेजी मेरी बैठ जा भितेरा। त्यारा छना इज बजू खड़ी म्यार छे तू नेरा। हे म्यार छे तू नेर परुली पतेलु फरा फर। आई वे तू परु पूछी माया ने दीने माया छ बराबर। इसका मतलब भी बता दे। मतलब ये है कि परुली यू टोल्ड मी दैट यू लव मी, बट नो नो, परुली परुली इज आस्किंग, परुली इज सेइंग टू हु, परुआ। परुली इज आस्किंग टू परुआ दैट व्हाई डोंट यू लव मी परुआ, बट परुली इज सेइंग नो नो नो, I love you, I do love you, but you always do it like this. Something like that. What is this paruli? तो हिंदी में आप इसका विवरण करें। इसका विवरण यह होगा कि परुआ कहता है, परुली कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर परुआ बोलता है कि नहीं परुली मैं करता हूँ प्यार तुमसे, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। हमारा उड़की जो है बन चुकी है, ठीक है, ठीक ठाक। ओ आमा तेले गोर उजाड़ की ले लगाया, ओ नाती मेरा
सागर होला कबेरा म्यारा नाती ए पार भिड़ आग लग रूड़ी किस लाच मेरी आमा देखा मैं बजा नहीं रही हूँ तेरी मम्मी डांट मतलब बाहर ज्यादा आवाज आएगी करो रात हो रही है भिड़ आग लग रूड़ी किस लाच मेरी आमा ए गोरु उजड़ा जन ए मेरे से बज नहीं रहा गाइस ए गोरु उजड़ा जन लगाए रूटी कोटी की बना छ मेरी आमा ए गोरु चले गोर उजड़ की ले लगा आज हमें घर से निकाल दिया जाएगा गाइस अभी टाइम पता है क्या हो रहा है हम सब तुम लोगों को बताना चाहूंगी 10 बज रहे हैं अभी रात के अब ये हुडू का भी बनाया था अभी फिर से खराब हो गया चल तेरा नहीं हुआ खराब सही है अभी तो बज ही रहा है थोड़ा टाइट और करना पड़ेगा बाकी गांव में ले जाने के लिए तो दूसरा ही लगाऊंगी रोड में जो ऐसा मारते नहीं है खुद के ऐसे आवाज आ रही है मेरे को लग नहीं रही खाली आवाज आती है लगती नहीं है दिखा तो मार के देख ले मैं मार दूं ऐसे देखो ऐसी पकड़ इसको पकड़ो नीचे वाले को पकड़ ये अब मार अरे ये लग रही देखा आ जा रे तू मारो तो चलिए आज का ये ब्लॉग नहीं व्लॉग नहीं था आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा 10 रुपये दूंगा जो लाइक करेगा ले अपना माइक पकड़ ले तो मेरी पैसे टाइम पर पहुंच जाने चाहिए तो वो पता नहीं लगना चाहिए मैंने अच्छा काम रखा था